हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वेन डायग्राम पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनके संबंध में। तो आइए चलते हैं। वेन डायग्राम पर जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि वेन डायग्राम के संबंध में अगर हम देखें कई तरह से क्वेश्चन आते हैं और उन सभी प्रश्नों को समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए, वेन डायग्राम की पहले बता दूं आपको कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कि जैसे मान लीजिए यह कोई वेन आरेख है ए, और इसका अगर कुछ भाग बी है तो ये वो पार्ट है ए का वो जो बी है। वहीं पर हम ये भी समझ लें कि ये वो पार्ट है ए का जो बी नहीं है। और ये भी आप ध्यान रखें, इसी में इस बी का ये वो पार्ट है जो ए नहीं है। ए का कुछ भाग बी है, बी का कुछ भाग ए है, ए का कुछ भाग बी नहीं है और बी का कुछ भाग ए नहीं है। वहीं पर अगर एक डायग्राम आप ये बना दें, जैसे मैं कह दूं कि सभी ए बी है इस तरह, तो यहां पर दो तीन बातें निकल के आती हैं, जो इस प्रकार है कि सारे ए जो है वो तो बी है, लेकिन ये वो बी है जो ए नहीं है। तो बात क्या निकल के, इसमें क्या निकल के आएगी, याद रखिएगा। वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान रखिएगा, वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये मैं इसलिए ज्यादा इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि एक टॉपिक होता है रीजनिंग का जिसको हम कहते हैं सिलॉगिज्म, यानी कि न्याय निगमन। तो न्याय निगमन के प्रश्नों को भी हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम बात वेन डायग्राम के थ्रू सिलॉग में बात करते हैं तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके नियम बिल्कुल अलग हो जाते हैं इस वेन डायग्राम में जो हम बात करते हैं उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो वेन डायग्राम के जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उनके लिए जो बातें वो वेन डायग्राम तक रहेंगी, और अगर सिलॉग की बात करेंगे तो उसके लिए नियम कायदे सब अलग। यहां पर वेन डायग्राम एक डायग्राम और बनता है कि मान लीजिए हमने ये ए है और इससे एक अलग बी बना दिया, तो हम ये कहते हैं कि जितने भी ए हैं वो क्या बी नहीं है। ये बातें किस तरह से हमारे प्रश्नों में लागू होती हैं, आइए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि संसद मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, इनके वेन आरेख को कौन सा विकल्प में दिया गया है। तो हम ये बात समझ ले, आप लोग भी फटाफट आंसर देखने का प्रयास करें कि जितने भी, बात करें अगर प्रधानमंत्री तो वह मंत्रिपरिषद में ही होता है, और जो मंत्रिपरिषद है वह संसद के भीतर ही अपने कार्य को करता है या उसकी सीमाओं के अंदर कार्य करता है। तो विकल्प जो ए है वो हमारा इसमें सही होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर टू पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, और कह रहे हैं कि कौन सा इसमें वेन आरेख
पुलिंजर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच संबंध रहता है। तो देखिए, चाहे पुलिंजर पुरस्कार हो और चाहे ऑस्कर की बात, ये दोनों ही पुरस्कार होते हैं, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा पुलिंजर पुरस्कार और ये हो गया ऑस्कर पुरस्कार। ये अलग इसलिए है क्योंकि ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। अब बात आई संपादक प्रोफेसर और पुरुष की। तो देखिए, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो प्रोफेसर होते हैं, उन्हीं कुछ पुरुषों में कुछ पुरुष संपादक होते हैं, उन्हीं संपादक में से कुछ प्रोफेसर भी होंगे। तो इस प्रकार के कुछ पुरुष हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला जिनके पास दोनों प्रकार की योग्यता है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो जो टेनिस प्रशंसक है वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और वो विद्यार्थी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो क्रिकेट भी खेलता, तो क्रिकेट खिलाड़ी तो हो ही है, साथ ही में वह टेनिस के खेल को भी पसंद करता है। तो ऐसे लोगों में भी वो शामिल हो जाएगा कि जो टेनिस के प्रशंसक है, क्रिकेट खिलाड़ियों में वो विद्यार्थी आ जाएगा। तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस प्रशंसक दोनों होते हैं। इस प्रकार से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, पुरुषों, पिताओं और एडवोकेटों में संबंध। देखिए, समझिए और क्या राइट आंसर होगा और फिर मेरा लॉजिक आप सुनिए। और सब लिखा है कि भाई पुरुष, पिताओं, एडवोकेट, आपने जो भी उत्तर सोचा हो, पहले समझिए जितने भी पिता वे सभी पुरुष और कुछ पुरुष एडवोकेट, और उनमें से कुछ पुरुष वे जो पिता वो भी एडवोकेट। लेकिन सारे एडवोकेट जो है वो पुरुष नहीं है, कुछ पुरुष, कुछ एडवोकेट महिला भी तो होंगी, ये वो एडवोकेट है लेकिन ना ही पुरुष है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते, 6 की ओर चलते, बढ़िया क्वेश्चन है। बहुभुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज। तो बात ये आती है कि भाई जितने भी, जैसे कि मान ली जाए 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है, ठीक, ये मान लिया, ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है। और यह देखिए, मान लीजिए क्या है, एक समचतुर्भुज है, मतलब इसकी चारों भुजाएं समान है। तो समचतुर्भुज में क्या 4 भुजाएं हैं? हाँ है। इसका मतलब जो भी समचतुर्भुज होगा वो चतुर्भुज तो होगा ही, और चतुर्भुज में 4 भुजाएं यानी एक से अधिक है, इसलिए बहुभुजाएं तो है ही। विकल्प ए बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। अरे सृष्टि तारे और सूर्य में बताइए। तो जितने भी सूर्य हैं हम उनको तारा मानते हैं, जो भी तारे हैं वे सभी सृष्टि में हैं, इसलिए विकल्प भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। करें कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर कर्मचारियों को दर्शाता है। अच्छा,
देखते हैं। तो मेरा ये मानना, जैसे कोई कंप्यूटर कुशल है तो वो कर्मचारी तो होगा, तभी कंप्यूटर कुशल बोला जा रहा है। और कोई कंप्यूटर निरक्षर है लेकिन वो भी कर्मचारी में आ जाएगा, ऐसा विकल्प वो सही हो जाएगा। या इसमें मैं समझता हूँ, जैसे कंप्यूटर कोई कुशल है और ये कंप्यूटर निरीक्षर है, और ये जो है ये कर्मचारी है, ये ठीक है, ये वो कंप्यूटर कुशल है जो कर्मचारी है, ये वो कंप्यूटर कुशल जो कर्मचारी नहीं है, ये वो कंप्यूटर निरीक्षर है जो कर्मचारी नहीं है, ये वो कंप्यूटर निरीक्षर है जो कर्मचारी है, विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी, तोता, चमगादड़। तो भाई देखिए, जितने भी तोता हैं वे सभी पक्षी, लेकिन ध्यान रहे कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता। चमगादड़ जो है वो एक स्तनपायी है, ध्यान रखें, ऐसा मेमलियन है, पक्षी नहीं है, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 10 की बात करें। बाघ, हाथी और जानवर। तो जितने भी हाथी हो चाहे जितने बाघ हो, वे सभी क्या हैं? जानवर हैं। लेकिन ये देखिए, ये वो जो स्पेस है जो ना हाथी है ना बाघ, यानी कि सारे जानवर ना हाथी होते हैं ना ही बाघ होते हैं, विकल्प सी बिल्कुल सही। 11 की बात करें। चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच। तो देखिए, जैसे कि कुछ महिलाएं हैं, मान लीजिए उनमें से कुछ महिला क्या है, शिक्षक है, ये वो महिलाएं हैं जो शिक्षक हैं, ये वो महिला है जो शिक्षक नहीं है, ये वो शिक्षक हैं जो महिलाएं नहीं है। ऐसे ही कुछ शिक्षक, ऐसे ही कुछ महिलाएं मान लीजिए चिकित्सक है, तो ये वो महिलाएं हैं जो चिकित्सक हैं, ये वो महिलाएं हैं जो चिकित्सक और शिक्षक दोनों हैं, ये वो चिकित्सक हैं जो कि शिक्षक हैं लेकिन पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं, और ये वो प्योर चिकित्सक हैं। तो यह विकल्प बिल्कुल सही विकल्प बी। बात करें काली आंखों वाले, भूरे बालों वाले भारतीय और भारतीय, ठीक है। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे होंगे जो काली आंखों वाले होंगे, ठीक है, और कुछ उन्हीं काली आंखों वालों में से भूरे बाल वाले होंगे, उनमें से कुछ भारतीय होंगे। भाई देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए काली आंख वाले हैं, ये भूरे बाल वाले हैं, और ये भारतीय हैं, तो ये वो भारतीय हैं जो काली आंखों वाले हैं, ये वो भारतीय हैं जो भूरे बाल वाले हैं, ये वो भारतीय हैं जो काली आंख भूरे बाल दोनों वाले हैं, और ये वो भारतीय हैं जिनके न काले बाल न भूरे आंखों वाले या भूरी आंखों वाले, ऐसे लोग, ऐसे भारतीय। तो विकल्प ए बिल्कुल सही। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। क्या है प्रश्न संख्या 14? तो प्रश्न संख्या 14 ये है, ठीक। तो इसमें लिखा है कि सर्किल संगीतज्ञ, त्रिभुज शिक्षक और वर्ग जो है वो लेखक। कितने शिक्षक, ना तो लेखक ना ही संगीतज्ञ, कितने शिक्षक, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रायंगल में तो आते हैं लेकिन ना ही
वे लेखक ना संगीतज्ञ, यानी ना वे सर्किल में आते हैं तो ना ही वर्ग में। तो देखो ये सारी संख्याएं तो किस में आ गई, वर्ग में आ गई, और ये सारी संख्या किस में आ गई, वृत्त में आ गई। एक ये संख्या बची एक, जो कि ना ही वर्ग में है ना ही सर्किल में, लेकिन त्रिभुज में है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो साथियों ये था आज का हमारा मुख्य रूप से आरआरबी जो ग्रुप डी की परीक्षा आने वाली है उसके संबंध में एक टेस्ट वेन डायग्राम पर आधारित। जल्द ही मिलेंगे हमें अगले टेस्ट पेपर में, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई और सजेशन हो तो वह भी दे सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि मेरा रीजनिंग का एक पेड बैच भी है, और जिसे उन लोगों ने सिर्फ 400 मिलियन रुपये में लॉन्च किया है। तो जो स्टूडेंट्स ये बैच करना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9935933 05। धन्यवाद।